बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पता नहीं है या कन्फ्यूज हैं कि परपत्र टू, जिसको स्वघोषणा पत्र बोलते हैं या सर्वे फॉर्म के नाम से आप लोग जानते हैं, उसके साथ क्या क्या जमीन का पेपर दें और क्या क्या चीज़ किस तरीका से जानकारी नहीं है। तो आप, हम आपको सही तरीका बताएंगे, परफेक्ट तरीका बताएंगे, बस थोड़ा आप हमको समय दीजिए, आपको लग जाएगा कि वैल्यूबल चीज़ है। अगर वैल्यूबल चीज़ आपको लग जाएगा तो आराम से कुछ नहीं, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, बस और कुछ नहीं, और हमसे जुड़ जाइएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, गौर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको फॉर्म, जब ग्राम सभा लगता है आपके गांव में, सर्वे टीम आपको आके आगत कर, यानी आप लोगों को सारे चीज़ के बारे में सूचना दिया जाता है कि सर्वे होगा, ऐसे ऐसे जो भी हो, क्वेश्चन वगैरह भी, कुछ क्वेश्चन आंसर भी होता है, ठीक है ना। उस समय आपको स्वघोषणा पत्र देना है, जिसमें जमीन का डिटेल्स जानकारी भरना होता है, ये स्वघोषणा पत्र है, जिसमें आपको रजत का नाम, हिस्सेदारों का वर्णन और पिता का नाम, और अगर अंश होता है तो अंश, लेकिन अंश अगर बहुत सारे, मतलब इसमें अंश जो है, हाँ, मुस्लिम धर्म में अलग हिसाब से होते हैं और हिंदू धर्म में अलग हिसाब से होता है। अगर वसीयतनामा बहुत सारे व्यक्ति नहीं जानते होंगे, कोई व्यक्ति चाहते हैं कि माँ बड़ा बेटा को ही छोटा से ज़्यादा संपत्ति दे, या कुछ ऐसे कंडीशन होता है जो स्वअर्जित भूमि होते हैं उस पर वसीयत वगैरह भी बना देते हैं, ठीक ना, मरने के बाद ऐसे ऐसे बंटवारा हो जाए, तो अगर वो है तो उसमें अंश आगे कुछ अगर अंतर होगा तो उसके हिसाब से करना है, अगर वो हिसाब बराबर होगा तो वो हिसाब बराबर। उसके बाद अस्थाई पता रहता है, खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा यानी डिसमिल एकरम रहता है, चौहद्दी जमीन का किस्म, शेष छोड़कर लगान आपको लिखना होता है, जमाबंदी नंबर, अगर भूमि पे जो अधिकार है आप किस प्रकार से क्यों कर रहे हैं, दान का है या बंदोबस्ती है या उत्तराधिकारी के हिसाब से आपका है, या जमीन पे कोई अन्य चीज़ है, या कोई आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, अभिव्यक्ति में है कि अगर ज़मीन पे आपका कोई कब्जा कर लिया है तो उनका नाम दे सकते हैं, या केस वगैरह चल रहा है तो वो, उसके अलावा कोई और आपत्ति वगैरह है तो उसमें आप लिख सकते हैं कुछ, ठीक ना। तो ये होता है स्वघोषणा पत्र, ठीक है, स्वघोषणा पत्र के बारे में जान लिया, आगे हम बात करेंगे, ठीक है, चलिए स्वघोषणा पत्र देखिए। उसके बाद जो है आपको जो है ना, स्वघोषणा पत्र के साथ आपको जमीन का केवाला या खतियान देना होगा, यानी केवाला वाला जमीन होगा तो, यानी जमीन अगर खरीदे होंगे आप, रजिस्ट्री कोई आप या आपका कोई वंश में, कोई वंशज में कोई खरीदे होंगे तो केवाला लगाना है, क्या लगाना है, केवाला, और नहीं तो क्या लगाना है, खतियान लगाना है, क्या लगाना है, खतियान लगाना है। खतियान में सारा जमीन का ब्यौरा रहता है, सारा आपको वहाँ पे देख लेते हैं। खतियान के अलावा, ये तो हो गया मुख्य दस्तावेज, उसके अलावा अगर जमीन, बहुत सारे व्यक्ति देखे होंगे अगर खतियान है तो आपके बाप या दादा या परदादा के नाम से खतियान बना होगा, ये भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन में हो, या केवाला हो या रजिस्ट्री हो, जो भी है, जिसके बारे में, जिसमें है, चाहते हैं कि इसमें जितनी व्यक्ति का अधिकार है वो अधिकार मिले, आप पूरे पारदर्शी तरीका से हो जाए जमीन का, ये जो भी है अलग अलग, अगर सेपरेट सेपरेट पेपर चाहते हैं तो वो भी बन जाए, तो आपको वंशावली बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, वंशावली, क्या, वंशावली बनाना पड़ेगा, वंशावली आपको बना के देना है, और उसके साथ साथ जो है ना मतलब शेड्यूल चार्ट, जिसको बंटवारा चार्ट बोलते हैं, ठीक है, वो भी आपको बना देना है। देखिए हम आपको इसके बारे में बता देते हैं, जो है वंशावली में क्या होता है कि आपका वंश कैसे कैसे आया है, कैसे कैसे हिस्से, मतलब कैसे कैसे आपको वंश बढ़ा है, बस उसको उसमें दर्ज कर देना है और लिख देना होता है, और उसमें हिस्सेदारों का वर्णन समझिए वो हो जाता है वंशावली के अनुसार, ठीक है। फिर जमीन किसको कितना मिला है वो बंटवारा चार्ट के से आपको स्पष्ट होता है, तो बंटवारा चार्ट में स्पष्ट रूप से किसको कितना हिस्सा है वो आपको देना होता है। उसके बाद जो है एक जो होता है, मतलब उसी के साथ वंशावली एक फॉर्म होता है, उसके साथ बंटवारा चार्ट, शेड्यूल यानी जो बंटवारा चार्ट है, शेड्यूल जिसको बोलते हैं, वंशावली वगैरह देना है, तो जो फॉर्म होगा ना वो फॉर्म के साथ देना है, ठीक है। उसके बाद जमीन, जो भी जमीन होगा वहाँ पे, जमीन का जो है नक्शा बना के देंगे, जो भी है आपके पास जो नक्शा है, जो जैसे है उस हिसाब से सर्वे टीम को सोलिहत होगा, यानी आसान होगा, और वो देंगे तो उसके अनुसार वो वेरीफाई करके उसको पक्का कर सकते हैं, ठीक है, और जो भी जैसे हैं ये उसके अनुसार वो कर दिया जाएगा। तो उसमें किसको कितना है, किस साइड से है, सारा उसमें स्पष्टीकरण रहेगा,
और सारा डिटेल्स जानकारी रहेगा तो वो आसान हो जाता है। नक्शा वगैरह भी ज़मीन का बना के आपको देना होता है, ज़मीन का नक्शा, ठीक है। बहुत सारे व्यक्ति बोले कि नक्शा कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए टेंशन लीजिए, आप बिहार के किसी भी ज़िले से आपको वहाँ पे एकदम वेरीफाई अमीन ट्रेंड अमीन जाके आपको बना देंगे, आपको ज़मीन का नापी भी कर देंगे, सर जमीन को यानी ज़मीन को नापी वगैरह करके बंटवारा भी कर देंगे, शेड्यूल चार्ट यानी बंटवारा चार्ट वगैरह सब बना देंगे, ठीक है। एकदम वेरीफाई तरीका से हम आपको अमीन भेजेंगे, एकदम नॉर्मल अमीन नहीं होता, गाँव घर वाला झोला छाप, प्रोफेशनल अमीन होते हैं, ठीक है। कौन प्रोफेशनल अमीन, जो डिप्लोमा होल्डर है, ट्रेंड होते, एक्सपीरियंस होते हैं, उन्हें किसी के साथ रह के उधर से नॉलेज लेके अमीन बन गए, बस बुनिया नक्शा जान गए, अमीन बन गए, वैसा अमीन नहीं, एक प्रोफेशनल अमीन जो हर एंगल से स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। वैसा को हम भेजेंगे, अगर उसके लिए भी चाहते हैं तो आपको ये जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर बस कुछ नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई मिल जाएगा, जो स्क्रीन पे दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर है। उसके अलावा आपको अपना जो ज़मीन का जो है जितना दस्तावेज दे रहे हैं, आप ही हैं कि नहीं, जिस व्यक्ति से हैं कि नहीं, उसमें आपको कहीं कोई लिंक होगा, ये आपको भू आधार कार्ड बनेगा, जिसको भू आधार कार्ड मतलब होता है कि बहुत सारे व्यक्ति जैसे आपके पैसा वगैरह निकालने के लिए, चेक करने के लिए ATM कार्ड एक होता है ना, उसी प्रकार एक समझिए ज़मीन का एक कार्ड बन जाएगा, जिसको भू आधार कार्ड बोलेंगे, क्या भू आधार कार्ड, ठीक है, लैंड कार्ड भी बोल सकते हैं वो है, और उसके हाँ उसलिए आपको जो है ना आधार कार्ड भी अपना देना है, क्या आधार कार्ड भी देना है, ठीक है ना, इतना चीज़ करना है। और याद रखिएगा, इसके अलावा आप जो है इसको आराम से सारा चीज़ कीजिएगा और पूरे एक्टिव रहिएगा, और बहुत सारे व्यक्ति को जो भी प्रश्न है, जो दिक्कत हो रहा है, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, या अगर आपको बहुत कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे अपना जो भी आपको पूछना है ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, क्या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, डायरेक्ट आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, आप बोलेंगे सर आप बताने वाले कौन हैं, आपको इतना जानकारी कहाँ से है, तो हम आपको बता दें, आप पैसे से वकील भी हैं और अमीन भी हैं, और अमीन का ट्रेनिंग भी देते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जिनको भी अमीन का ट्रेनिंग लेना हो, या ज़मीन नापी करवाना हो, या कुछ विशेष बात करना हो, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप पे जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना ही, जय हिंद। ये है किशोर अमीन ट्रेनिंग, यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप क्लास कर सकते हैं, यहाँ रह के भी कर सकते हैं, ऑफलाइन में लॉज उज की सारी फैसिलिटी है, अगर ऑनलाइन करेंगे तो आपको वो भी हो जाएगा, ऑनलाइन में अगर करते हैं तो ऑनलाइन में अगर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो या तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग सेंटर पर रह के कर सकते हैं, या पटना में आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं, आपको दो ऑप्शन मिलेगा। और इतना ही नहीं, आपको अमीन का लाइसेंस, बहुत सारे व्यक्ति नहीं जानते होंगे, अमीन का एक लाइसेंस होता है, अमीन में डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको अमीन का लाइसेंस भी मिलेगा, जिससे आप गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अमीन हो जाएंगे, और ये प्रोफेशनल अमीन के रूप में आप कन्वर्ट हो जाएंगे और लाइसेंसधारी अमीन बन जाएंगे। तो अगर आप करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको हर एक जानकारी मिलेगा, ठीक है, यही व्हाट्सएप नंबर है। और दूसरी बात, और विशेष जानकारी लेना है अमीन के बारे में, तो व्हाट्सएप मैसेज ही करेंगे तो आपको डिटेल्स जानकारी मिलेगा।